राम राम भाइयों, मारे द्वारा एक और कमेंट आया था, इसका नाम है साधु राम। इन भाई ने कमेंट कराया है 300 आदमियों में, जो 300 आदमियों की दावत करनी है, उस दावत में हमें सूजी का हलवा देना है। उस सूजी का हलवा में सिर्फ आपने ये बताना है भाई, कितनी चीनी गेड़ा है इसके भीतर, कितना घी गेड़ांगे और कितना पानी है भाई, और जो इसके भीतर जो आइटम पड़ेगा वो मेन मेन मकसद ये है, वो बूझना भाई साहब, घी चीनी पानी, ठीक है। ये भाई साहब ने पहले तो ये बताऊं भाई, जो भी इसका एस्टिमेट लिख रहा है वो काट के देखेंगे पहले तो। आप देखो, अमीन 300 आदमियों को खुआना है तो अपा कम से कम भी 150 आदमी या 125, यानी कि एक आदमी की औसत काट के देखेंगे। 1 किलो हलवा अपा ने देना है तो 1 किलो हलवा में लगभग 7 आदमी काट देवांगे। 7 आदमी काट के अपन देखेंगे तो 300 आदमी है, 300 भाग में 7 करके देखेंगे, 45 किलो वेट हो गया टोटल। 45 किलो हलवा बना है हमारा, 45 किलो हलवा 300 आदमी ने खुआ देवांगे, ठीक है भाई। ये अपन 45 किलो हलवा का टोटल एस्टिमेट काटना है कि डाल काटांगे। कई तरीके हैं भाई, सारे तरीके बताऊंगा मैं थारे ताई के है। एक तरीका तो ये बना है भाई, 1 किलो सूजी में 5 किलो हलवा तैयार हो जाएगा। 9 × 5 = 45, सीधी बात है भाई, 9 किलो सूजी का हलवा लग जाएगा, ठीक है। और भी तरीके हैं भाई, पहला तो सुन ले, ध्यान तो देखेगा तो पता लग जाएगा। और किए भाई, घी कितना गेड़ना है, घी गेड़ांगे 1 किलो सूजी में 700 से 750 ग्राम तक। 9 किलो गेरा है तो यानी कि आप सूजी 10 किलो गेड़ लेंगे भाई, थोड़ा बहुत फालतू बच जाए, कोई दिक्कत को नहीं हो, 20-30-50-100 आदमी बच जाए या प्रसाद से तो उसने भुगतान भी कर देवा, कोई दिक्कत वाली बात ना भाई। आप 10 किलो सूजी गेर लेंगे तो 7 से 7.5 किलो घी गेर लिया, 9 किलो गेर आए तो 6.5 से 7 किलो घी तक गेर देवांगे, ठीक है। रही बात भाई चीनी की, चीनी कितनी गेरनी अपन है, 1 किलो सूजी का भीतर आप 1.25 किलो गेर सका या 1 किलो भी गेर सका। आप 10 किलो गेरांगे चीनी तो 10 किलो सूजी होगी, सूजी 10 किलो है तो आप सवाई गेरा तो 12 किलो गेर सका चीनी, ठीक है भाई। इसे डाल सवाई करके 10 किलो सूजी गेर दी तो 12 किलो चीनी गेर ले भाई, बहुत बढ़िया हलवा बन जाए, देखने की जरूरत ना पड़ेगी। और भीतर का जो बादाम किशमिश जो भी इच्छा वो गेर ले भाई, ठीक है। घी होगी भाई, घी गेर दिया अपन 7 किलो, ठीक है। और सूजी गेर दिया अपन भाई 9 से 10 किलो, और चीनी गेर ली 10 से 12 किलो तक है भाई। 300 आदमी का एस्टिमेट भी लिख रहा है, और जो पूरा पूरा माल पड़ा है वो भी थोड़ा फिक्स फिक्स इसमें ऐड होने लग रहा है, ठीक है भाई। फिर और एक तरीका के है भाई, तरीका ये हुआ, अपन है बताया था अलवा 9 × 5 = 45 किलो बना है। आप टोटल वेट काट का जोड़ का देखेंगे, अब भाई यो वेट तो घना है बता दिया। 1 किलो सूजी में पानी कितना पड़ेगा भाई, 4 किलो पानी पड़ेगा, ठीक है भाई। ये बात ध्यान रखनी है, छोटी छोटी बात, अगर सूजी बढ़िया बन रही है तो 4 किलो पानी उड़ जाएगी 1 किलो सूजी, ठीक है। और थोड़ी सी नॉर्मल है तो 3.5 किलो पानी लगभग ले जाओगे। और भाई कति 19 दौड़ा दौड़ा हलवा रखो तो 3 किलो पानी पी जाओगे, तो 4 किलो पानी पूरा फिक्स ले भाई सारे आने गेरा। दूसरा के तरीका, अपन हलवा का पूरा पूरा एस्टिमेट काटने खतरे अपन 9 किलो सूजी ले है भाई, और 4 किलो पानी गेरांगे 1 किलो सूजी में, 9 × 36 यानी कि पानी कितना गेरांगे 9 किलो में, आप 36 किलो पानी गेर देवांगे। 36 किलो पानी गेरांगे, 9 किलो तो अपने द्वारा सूजी होगी और 36 किलो पानी हो गया, 36 × 9 = 45 और 9 × 5 = 45, सीधा हिसाब पड़े भाई। अपना जो घी गेरांगे, घी गेरने की ताल यानी कि घी ऐड करने की जोड़ने की ताल और चीनी जोड़ने की ताल, ठीक है भाई। अपन 9 किलो सूजी ली और 4 के हिसाब से पानी जोड़ दिया, 9 × 36 किलो पानी गेर दिया भाई, और 9 किलो सूजी होगी, 9 × 5 = 45, सीधा वेट अपन विकार्ड का है। और जिस टाइम पानी गेरांगे, पानी का वजन नहीं लगावा, आप पानी का वजन प्योर पानी लगावा हाँ, तो उस टाइम घी की और चीनी की ताल करनी हो अपन। और घी
सारी डाल किसी डाल जोड़ के देख लियो भाई, मैं थारे तय बढ़िया समझा दूंगा। जिस टाइम घी भी ऐड कर लियो, घी जोड़ लियो कितना गिर होगा, ठीक है, चीनी भी जोड़ लियो और सूजी भी जोड़ लियो। मैं मेरे तरीका नहीं बताऊं भाई, तम जी डाल बना वो डाल कर लियो, घी जोड़ ले, चीनी जोड़ ले और सूजी जोड़ ले। और जो पानी गेरो हो, सूजी अपन 3 किलो गेर ली मान ली सूजी, है 3 × 5 = 12 किलो पानी गेरो का मान ले। थम थारे हिसाब से जोड़ के देख लियो, 12 किलो पानी गेरो हो तो 12 किलो का आधा पानी लेना था मेरा, यानी कि 6 किलो पानी, ठीक है। जिसे डाल जितनी सूजी गेरो उसका 4 गुना पानी, और टोटल वेट काट होगा तो वो निकलेगा 9 × 5 = 45 काट होगा तो 45 निकलेगा। और किसे डाल जोड़ के देख लियो, मतलब घी और चीनी जोड़ोगे ना उस टाइम पानी का आधा वेट जोड़ना है भाई। आज जब पानी पूरा जोड़ो हो तो घी चीनी जोड़ने की टाल करते भाई। सीधा तरीका भाई साहब अपना अलवा की एस्टिमेट काटने का। अब भाई आज के लिए इतना ही काफी, फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ ही।